आपकी वास्तविकता उम्र कितनी है? अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। पढ़ाई पे आते हैं, किस क्लास में हैं आप? पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्रिकेट अच्छी चल रही है? क्रिकेट ज़्यादा अच्छी चल रही है। शतक के आंकड़े बारे में मिले थे कि काफ़ी शतक आप बनाए हैं? 40 शतक है और 2 डबल सेंचुरी है। इतनी कम उम्र में आप 40 शतक और 2 डबल सेंचुरी मार चुके हैं जी। फाइनल में क्या होता, कोशिश रहेगा कि आज से अच्छा खेले। आज सेंचुरी मिस हो गया, बट अगर इतना क्लोज पहुंच तो सेंचुरी जरूर करेंगे। बेनीपट्टी प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला दरभंगा बनाम समस्तीपुर के बीच खेला गया और शुरुआत में ही सभी की जो निगाहें थी, सुबह से जो खबरें आ रही थी और लगातार जो ग्राफिक्स वायरल हो रहे थे, उस वैभव सूर्यवंशी नाम का एक 14 साल का क्रिकेटर जिसके बारे में वायरल की जा रही थी और खबरें आ रही थी कि वैभव सूर्यवंशी आएंगे इस मैदान पर और बेहतरीन खेल दिखाने की लोग उम्मीद भी कर रहे थे। समस्तीपुर की टीम से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए वैभव उतरे थे और वही वैभव हमारे साथ अभी कैमरा फ्रेम में है। सबसे पहले तो सभी की निगाहें इन पर इसलिए टिकी थी कि इतनी छोटी सी उम्र में और एक तरह से ए टीम के साथ वो खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और जो ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि अपने खेल से अपने आप को साबित भी कर रहे हैं। इनका कुछ YouTube पर वीडियो भी मैंने देखा तो बहुत बचपन से ही प्रैक्टिस करने वाला वीडियो मुझे मेरे सामने आया था। सबसे पहले बीएनएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है वैभव। बेनीपट्टी आकर के क्रिकेट खेल करके कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ के दर्शक भी सपोर्टिंग थे और माहौल भी अच्छा था। सबसे पहला तो ये भी सवाल है कि आपकी वास्तविकता उम्र कितनी है? अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। अब कितने उम्र से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मात्र 14 साल की उम्र में आप इतने ताबड़तोड़ छक्के चौके लगा रहे हैं। 5 साल से। आपके मतलब परिवार में क्रिकेट का परिदृश्य पहले से रहा है? हाँ। कौन क्रिकेट और कोई खेलते हैं परिवार में? पापा खेलते थे। तो पापा मतलब अपने पुत्र को एक तरह से बनाए उत्तराधिकारी, क्रिकेट का उत्तराधिकारी बनाने। मेन कोच कौन है आपके? शुरू में तो पापा ही सिखाते थे, फिर ब्रजेश अंकल के यहाँ गए, वहाँ फिर प्रैक्टिस किया, वो जैसे समझाया वैसे किया। तो अभी अब तक आप किस किस टीम से खेल चुके हैं अगर बिहार की बात करें? बहुत टीम से खेले हैं, दरभंगा से भी खेले हैं, मधुबनी से भी खेले हैं, पटना से भी खेले हैं, सब जगह से खेले। बेहतरीन कोई यादगार मैच, जैसे कि अंतिम गेंदों में कुछ बाउंड्री करना, ऐसा कुछ कोई यादगार मैच एक दो आपके जहन में रहे तो कौन सा मैच है? एक DPL हो रहा था, उसमें सेमीफाइनल में शतक बनाया था और एक खगड़िया में टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें भी लास्ट ओवर तक मैच गया था। वैभव आपकी उम्र कम है, सबकी निगाहें आप पर ही कम होगी इस टूर्नामेंट की बात, बाकी अन्य जितने भी टूर्नामेंट होते होंगे अगर वहाँ पर आपके नाम की जिक्र होती है कि वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं तो सबकी उम्मीदें आपसे बन जाती होंगी, एक दबाव भी महसूस करते होंगे? नहीं, थोड़ा सा दबाव लगता है, नया जगह पे आए खेलने के, ऐसा क्या माहौल है, बाकी उतना दबाव नहीं। आप मैच तो फंस गया था और बीच में आपने एक अच्छा सा कैच लिया, वो कैच उस समय क्या फील हो रहा था? गेंद जब ऊपर थी फील कुछ नहीं हो रहा था कि उतना टफ कैच नहीं था, हाथ ही में आ रहा था कैच, उतना मुश्किल कैच नहीं था, लेकिन उस पोजीशन में वो टफ कैच था, जैसे लग रहा था कैच पकड़े मैच पकड़ रहे हैं। दो बॉल में 5 रन चाहिए था, अगर वो कैच पकड़ लेते तो एक बॉलर ही आता, लास्ट विकेट था और एक ही बॉल बचता, अगर वहाँ से कैच छोड़ते तो 2 रन भी हो जाता, चौका भी हो सकता था और फिर राउंड। तो वैभव सबसे फेवरेट अगर हम शॉट की बात करें तो किस कौन सा शॉट आपके लिए है? मेरे लिए सबसे मेरा फेवरेट शॉट पुल शॉट है, ज़्यादा आसान पुल शॉट ही लगता है हमको और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो आने वाले भविष्य में क्या उम्मीद, तो आपसे स्वाभाविक है पूरी बिहार की बंदी होगी, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कुछ बेहतर होगा जी? देखिए आगे क्या होता है, भविष्य तो बचा हुआ है, बहुत लंबा है क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं आपने एक तरह से चलना शुरू किया है, वो रफ्तार बहुत तेज है, रफ्तार आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बिहार को एक नाम मिलेगा वैभव सूर्यवंशी का जी। देखिए सबका अगर आशीर्वाद रहा तो आगे जरूर खेलेंगे, क्योंकि कल जब चर्चा हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में सब यही कह रहे थे कि भविष्य का कैप्टन है इंडिया टीम का, ऐसा कुछ जिक्र आ रहा था, फिर हमने भी आपके बारे में सर्च किया तो कहीं भी सूची मिली आपकी स्कोरिंग और ये जो जानकारी मिले कि सीजन में आपका शतक का आंकड़ा क्या है, शतक के आंकड़े बारे में मिले थे कि काफ़ी शतक आप बनाए हैं? 40 शतक है और 2 डबल सेंचुरी है। इतनी कम उम्र में आप 40 शतक और 2 डबल सेंचुरी मार चुके हैं जी। 2020 के मैच में 2 डबल सेंचुरी आपका है? एक नहीं, एक 2020 में है और एक 40 ओवर के मैच में। तो अब आपका फाइनल मुकाबला होगा, फाइनल में पहुंच चुके हैं क्योंकि 11 साल के बाद ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है संदीप झमराड़ी जी के आयोजन में, तो सबकी उम्मीदें भी है, भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह का आया था, उस दिन जो भीड़ रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इस का तकरीबन 10 से 20 गुना अधिक भीड़ रहेगी, तो उस दिन के लिए जो आपके फैंस होंगे बहुत सारे ऐसे फैंस जो सिर्फ आपको देखने के लिए आए थे, तो क्या वैभव सूर्यवंशी का खेल उस दिन दिखेगा जी? देखिए फाइनल में क्या होता, कोशिश रहेगा कि आज से अच्छा खेले,
आज सेंचुरी मिस हो गया, बट अगर इतना क्लोज पहुंचते तो सेंचुरी जरूर करेंगे। सेंचुरी हो जाता तो मुझे 1100 का आपको इनाम देना पड़ता, क्योंकि मैंने तो घोषणा कर दी थी कि बीएनएन न्यूज़ की तरफ से वैभव को शतक पे 1100 रुपये का इनाम। धक धक तो मेरा भी। खैर, उम्मीद करेंगे कि फाइनल में अपने हाथों से आपको इनाम दूँ, कम से कम शतक आपका देखना चाहता है यहाँ के पब्लिक। तो आपको बहुत सारी शुभकामना, और अंत में आपसे सवाल लेंगे, जो आयोजन चल रहा है यहाँ पर, वो आयोजन में कोई कैसा लगा है आपको, यहाँ का जो गेस्चर है, वेलकम है, कुछ समस्या या कुछ परेशानी कैसा लगा? नहीं, कुछ समस्या नहीं लगा, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, इतने दिनों के बाद हो रहा है यहाँ, तो बहुत अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है, बहुत जगह पर टूर्नामेंट होता है तो बहुत ज़्यादा मैचेस की वजह से विकेट थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगल बगल में मधुबनी के बगल में मधवापुर है, वहाँ पर थोड़ा सा विकेट का प्रॉब्लम रहता था, तो मतलब मैटिंग विकेट पर ज़्यादातर विकेट में अनिवे नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ अच्छा है कि विकेट भी अच्छा, माहौल भी अच्छा है, दर्शक भी सपोर्टिंग है। तो एक चीज़ और आपसे सवाल लेंगे कि माइनर एज के जो क्रिकेटर हैं, जो हालांकि इस पिच पर भी वो सारे खेलते हैं, जो हमारे अभी जो बेनीपट्टी की टीम के जो यूथ हैं, उस सारे कमेटी मेंबर्स से वो सारे मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि एक तरह से आपने तो लंबी सीरीज पकड़ ली है, रफ्तार वाली सीरीज पकड़ी है, उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि साधनों का अभाव रहता है गाँव की बात करें तो, यहाँ पे है ना, जब शुरुआत में लोग बल्ले पकड़ते हैं तो बल्ला नहीं रहता, तो लोग तख्ता पकड़ के बैट बॉल खेलना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो साधन संसाधनों के अभाव के बीच, अभावों के बीच अगर अपने आपको बेहतर क्रिकेटिंग की तरफ ले जाना है, तो उनके लिए क्या टिप्स रहेगा? नहीं, टिप्स कुछ नहीं रहेगा, अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है जी, मेहनत करते रहेंगे रेगुलर तो रिजल्ट मिलते रहेगा। अच्छा, रिजल्ट से एक चीज, पढ़ाई पे आते हैं, किस क्लास में हैं आप? 8 में। अच्छा, 8 में, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्रिकेट अच्छी चल रही है? क्रिकेट ज़्यादा अच्छी चल रही है जी, क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस है जी। तो ये हमारे साथ वैभव सूर्यवंशी थे, जिन्होंने बताया आज के मैन के, आज के मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, और जो जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे, जैसा कि हमने भी खबरें लगाई थी उम्मीद के साथ कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले हैं, और वैभव सूर्यवंशी के नाम पे हम कह सकते हैं कि 20-30% दर्शक जो थे आज वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए आए थे, और वैभव सूर्यवंशी ने उस चीज़ को दिखाया भी। बाकायदा जब लाइव चल रहा था बीएनएन पे, तो मैंने दूसरे कैमरा से रिकॉर्ड भी करना शुरू किया था वैभव की बल्लेबाजी, और उसकी वही चीज़ हुआ, रिकॉर्ड किया, और वैभव ने ताबड़तोड़ पारिया खेली, बीएनएन न्यूज़ की तरफ से 1100 का इनाम भी घोषणा किया थी वैभव के लिए, हालांकि वैभव उसको हासिल नहीं कर सके। उम्मीद करेंगे कि फाइनल में वैभव को बीएनएन टीम की तरफ से इनाम मिले। वैभव को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही आयोजन समिति के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विजय विकास, बीएनएन न्यूज़, धन्यवाद। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा, वैसे कैब बुक कर लिए है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे एक गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबू जी, देश का बजट कैसा भी हो लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।